नमस्कार, एटीवी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। शेखपुरा जिला के अंतर्गत टोथिया पहाड़ की सारथा थ्रेसर पर शेखपुरा जिला ट्रक एसोसिएशन के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक बिहार सरकार के खिलाफ की गई थी। बैठक में बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार राकेश ने कहा कि 12 जनवरी 2021 बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन की एक आपात बैठक संगठन के अध्यक्ष भानु शेखर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में की गई थी। उक्त बैठक में संगठन ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया है कि बिहार सरकार द्वारा पिछले 16/12/2020 को लाए गए अध्यादेश, जिसमें 12 चक्के से ऊपर की ट्रकों को गिट्टी तथा बालू की ढुलाई से प्रतिबंध तथा 14 चक्के से नीचे की गाड़ियों की बॉडी की ऊंचाई 3 फीट एवं 3.5 फीट कर दिया, ढुलाई करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसका संगठन लगातार विरोध कर रहा है। बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन ने अपने पूर्व घोषित आंदोलन के तहत 7/1/2021 से संपूर्ण बिहार को 4 जोन में बांटकर अपनी ट्रकों के साथ घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन के तहत ट्रकों की हड़ताल की घोषणा की गई थी, परंतु माननीय परिवहन मंत्री सचिव महोदय के विशेष आग्रह पर 7/1/2021 प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित किया गया और मंत्री और सचिव के द्वारा आश्वासन किया गया था कि आपकी समस्याओं का समाधान 1 सप्ताह में करने का प्रयास किया जाएगा, जिसके तहत संगठन ने उनके आग्रह पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपने पूर्व घोषित आंदोलन को दिनांक 15/1/2020 के मध्य रात्रि के करने की घोषणा की थी। शेखपुरा से अरविंद कुमार आनंद। पहले तो 16 दिसंबर 2020 को बिहार सरकार के द्वारा परिवहन विभाग का अधिसूचना जारी कर 6 चक्का 10 चक्का और 12 चक्का तक के ट्रकों का गिट्टी बालू में उठाव के लिए ही मान्य किया गया और 12 चक्का से ऊपर 14, 16, 18, 22 चक्का के सभी गाड़ियों को बालू गिट्टी के उठाव के लिए प्रतिबंधित किया गया। इस संदर्भ में प्रदेश संगठन के द्वारा बहुत प्रयास किया गया कि सरकार के द्वारा पुनर्विचार किया जाए और सभी प्रकार के ट्रकों को बालू गिट्टी में उठाव के लिए अनुमान किया जाए, लेकिन संगठन के प्रयास के बावजूद भी बिहार सरकार ने कोई पुनर्विचार नहीं किया, जबकि प्रदेश संगठन के द्वारा 7 जनवरी को प्रस्तावित चक्का जाम आंदोलन को 7 दिन का समय देते हुए आज 14 तारीख का वक्त देते हुए बिहार सरकार को यह कहा गया था कि आप कृपया पुनर्विचार करें, लेकिन पुनर्विचार नहीं हुआ। अब प्रदेश संगठन के आह्वान पर 15 तारीख अर्थात 15 जनवरी 2021 की मध्यरात्रि से 15 जनवरी 2021 की मध्यरात्रि से पूरे बिहार में ट्रकों का चक्का जाम रहेगा और प्रदेश संगठन के आह्वान पर शेखपुरा जिला ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण एवं शेखपुरा जिला के तमाम ट्रक मालिकगण उसका समर्थन करते हुए नीतीश सरकार के विरोध में हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा और यह चक्का जाम आंदोलन अनिश्चितकालीन रहेगा। क्या लगता है कि 14 चक्का जो है शेखपुरा में ज्यादा मात्रा है, इसका विरोध इस तरह का किया जा रहा है? शेखपुरा में 14 चक्का लगभग 70-80% गाड़ियां केवल 14 चक्का ही शेखपुरा जिला में है। पिछले एक महीने से जिस प्रकार से गाड़ी खड़ी है कि ट्रक मालिक बर्बादी के कगार पर आ गए हैं, सभी लोगों का लोन NPA हो गया है। ऐसे भी ट्रक मालिक हैं जिनका रोजी रोजगार बाल बच्चे का भरण पोषण ट्रकों से ही होता है, वो सारे लोग बिलख रहे हैं, बल्कि ट्रक मालिक ही नहीं ट्रक मालिक के पूरे परिवार बिलख रहे हैं। यह सरकार द्वारा अनैतिक पूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसका कि पूरे बिहार के साथ साथ शेखपुरा जिला में इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। सरकार हमेशा वादा खिलाफी कर रही है। पिछले बार हमारे प्रदेश संगठन के साथ परिवहन विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारियों के समक्ष वार्ता हुई थी,
कि 7 जनवरी के जाम को आप रोकें और एक सप्ताह का वक्त दें, 14 जनवरी तक सरकार के द्वारा आप पर जो है आपके समस्या पर पुनर्विचार किया जाएगा। लेकिन सरकार ने नहीं पुनर्विचार किया, हमेशा ट्रक मालिकों के साथ बिहार सरकार का एकदम सौतेला व्यवहार रहता है और हमेशा जो है ट्रक मालिकों के खिलाफ में ही सरकार का नीयत और नीति दोनों रहता है, जिसका कि हम पूरे बिहार में इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और शेखपुरा जिला में भी इसका विरोध है और शेखपुरा जिला में भी चक्का जाम रहेगा।